तो जब अमल में खुलूस नहीं रहता तो फिर अमल अमल नहीं रहता। एक जमाना था एक दरख्त को लोग पूजने लगे, तो वहां एक सूफी था, इबादत गुजार था, शब जिंदादार था। उसे पता चला कि लोग दरख्त को पूज रहे हैं और वो खड़ा हुआ, उस दरख्त को काट दूंगा जिसको लोग अल्लाह का शरीक समझ रहे हैं और पूज रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उस दरख्त को काटने के लिए निकला। रास्ते के अंदर शैतान खड़ा था, उसने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा। और शैतान ने रास्ता रोका, उसने पटक के शैतान को जमीन पे मारा और उसकी छाती पे बैठ गया। शैतान बहुत मक्कार है और वो हर एक को एक तरीके से नहीं लूटता, उसके बड़े मकरो फरेब और दजलो तलबीसात हैं। उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया, उसने कहा जनाब आप इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, शब जिंदादार हैं, आप दरख्त को काटेंगे लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, फिर आपको उनके मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा और सवेरे शाम लड़ाई ही लड़ाई, आपकी इबादतों के वक्त में खलल आएगा। तो आपने इनकी कब्र में थोड़ा जाना है, आपकी कब्र अपनी है, इनकी कब्र अपनी है, आप छोड़िए इनको। और साथ ही कहा कि जब आप मुसल्ला उठाया करेंगे तो नीचे से एक दिरहम मिल जाया करेगा आपको, तो आप उससे अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया करेंगे और आप फारिगुल बाल भी हो जाएंगे। इस तरह बातों में लगाया और वो जाहद साहब वापस आ गए, नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, दिरहम मिला, बड़े खुश हुए और दलीलें तराशने लगे। वाकई मुझे क्या लगी, तुम्हें गैर से क्या, तुम अपनी नबेड़ो, तुम अपनी कब्र में जाना है, जाए वो भाड़ में, मुझे क्या लगे, मुझे उनके बारे में क्या पूछा जाना है। नमाजें पढ़ता है, हर नमाज के बाद मुसल्ला उठाता है तो एक दिरहम मिलता है। काफी दिन गुजर गया, दिल भी आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो गया। एक दिन मुसल्ला उठाया तो कोई दिरहम नहीं निकला, फिर दोबारा कल्हाड़ा उठाया, उठा, रस्ते में फिर शैतान खड़ा था, कहा किधर जा रहे हो, कहा दरख्त को काटने जा रहा हूं। शैतान ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा। उसको तजर्बा था कि मैं इसको पटक के जमीन पे मारा था, ये मेरे से ताकतवर तो है ही नहीं। उसने फिर गिरेबान से पकड़ लिया, शैतान ने पटक के जमीन पे मारा और छाती पे बैठ गया। वो जाहिद साहब परेशान हो गए, शैतान को कहने लगे कि ये कैसे हुआ, मेरा तो तजर्बा माजी का ये था कि मैं ताकतवर हूं, तुम कमजोर हो, लेकिन अब तुमने पटक के मुझे जमीन पे मारा। तो कहा साहेब उस दिन तुम अल्लाह की रिजा के लिए जा रहे थे, आज तुम दिरहम के लिए जा रहे हो। तो जब अमल में खुलूस नहीं रहता तो फिर अमल अमल नहीं रहता, अमल में कुव्वत नहीं रहती, फिर सजदे बेरूह हो जाते हैं, नमाजें बेजौक हो जाती हैं, सफे कज, दिल परेशान, सजदे बेजौक के वो जज्बे अंदरू बाकी नहीं। नमाज, रोजा, हज, जकात सब कुछ है बाकी, मगर तू बाकी।